लंच वंच करने के बाद हम लोग सब लोग बैठे थे। हम लोग के ना बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम है, उसमें राउंड टेबल्स। हमारा जो डायरेक्टर है वो आके ही लिटरली सैट ऑन हिज नीज नेक्स्ट टू मी। हाउ इज इट, यू वांट टू बी अ पायलट? इतनी रिलैक्सिंग मॉर्निंग शुरू हुई है ना हम लोगों की, पूछो मत। अरे मैं फोन दे दिया। तो देखो टाइम हुआ है 9:08 और हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे नाश्ता करने के लिए। इतना आराम से उठे हैं आज हम लोग। मेरे को ऐसा लगा था कि हम लोग को जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आपको याद हो मैंने आप लोग को भी बताया था कि हम लोग को जल्दी उठना पड़ेगा बिकॉज मेरे को जाना पड़ेगा आंचल को ड्रॉप करने के लिए उसके ऑफिस, एंड एट द सेम टाइम बच्चों को मैं छोड़ के जाऊँगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ क्योंकि अगर आपको याद हो कल जब आंचल आई थी, अरे संभाल के, क्योंकि अगर आपको याद हो आंचल कल आई थी उसके हम लोग के बाजू वाले रूम में ही एक उसी की ऑफिस की एक फ्रेंड या कलीग बोल लो वो रहती है, तो उसने बोला कि वही ले जाएगी आंचल को ऑफिस। तो हमने कहा चलो बेटर है ना यार इस बहाने से, एटलीस्ट आंचल भी अपना चले जाएगी, मेरे को बच्चों को अकेले छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग आ गए सुबह सुबह फिर से अपना नाश्ता करने के लिए। आज का क्या है नाश्ता? स्क्रैम्बल एग है जो कल था सेम, कैनेडियन बेकन, ये तो हम लोग नहीं खाएंगे, और यहाँ पर एप्पल्स है, बनानाज है, यहाँ पर पीनट बटर कुकी। टूटू पीनट बटर कुकी, वाओ, आई वुड लाइक इट, आई विल ट्राई दिस। यहाँ से जैसे प्लेट उठाए टूटू सबसे पहले हल्ला बोल रही है पैनकेक पे। तो भाई ज़्यादा कुछ ऑप्शन था नहीं तो बस वही ले लिया मैंने स्क्रैम्बल्ड एग। यहाँ पर एक ब्रेड लिया है, यहाँ पर एक बेगल लिया है, ये पीनट बटर कुकी मैंने एक लिया था लेकिन टूटू ने एक लिया उसको नहीं पसंद आई तो उसने मेरे प्लेट में डाल दी। एंड क्रीम चीज़ है, तो क्रीम चीज़ जो है मैं इस पर स्प्रेड कर दूंगा स्क्रैम्बल्ड एग को, इसमें डाल के बर्गर बना के खाऊंगा। टूटू ने क्या लिया है भाई? पैनकेक एंड एक ब्रेड एंड उसके साथ जैम और पानी, यस ऑफ कोर्स, एंड तीर्थ। हाँ टिक्की को जूस चाहिए था लेकिन उसने नहीं पिया, और वो अभी क्या कर रहा है पता है? ये फोक से दही खाने की ट्राई कर रहा है। कौन खाता है फोक से दही? इसको मैंने बोला बेटा मैं खिलाता हूँ आपको, तो ही इज लाइक नहीं आई वॉन्ट टू ईट बाय विद फोक। मैंने कहा ठीक है खा के ट्राई कर लो, जब तक शांत बैठा ना तब तक जो कर रहा है करने दो। हाँ वो देखो कपड़े गंदे कर दिए, वेरी गुड। अराउंड 9:30 के आसपास हमने नाश्ता किया था और ऊपर आए थे, उसके बाद मेरा कॉल शुरू हो गया था लेके। पता है अभी टाइम हुआ है 1:33, 9:30 से 10:30, 11:30, 12:30, 4 घंटे से मैं बैक टू बैक कॉल्स पे हूँ। और ये 4 घंटे हमारे कैसे निकले हैं ना, ट्रस्ट मी, इतना बुरा हाल था। लेकिन फॉर्चुनेटली टूटू ने मेरे को बहुत हेल्प किया। टूटू थैंक यू वेरी मच टूटू, आई नो इसने बहुत ट्राई किया, काफ़ी तरह से एंगेज किया। थोड़ी देर उसको बाहर लेके चले गई, फिर उसके बाद में थोड़ी देर वो लोग बैठ के टीवी देख रहे थे, फिर थोड़ी देर आईपैड देख रहे थे, फिर थोड़ा ड्राइंग कलरिंग कर रहे थे, आई थिंक वो पेपर कहीं फेंक दिया होगा इन्होंने। उन लोगों ने बेड पे बैठ के चिप्स खा रहे थे, वो चिप्स उन्होंने ऐसे खाए मतलब इतना खाया कम गिराया ज़्यादा, वो भी ऑफकोर्स टूटू ने तीर्थ ने, तो उस वजह से फिर हमको ना बुलाना पड़ा रूम क्लीनिंग को। तो वो हाउसकीपिंग वाले आ गए, पूरा बेड फिर से बना रहे हैं। एग्जैक्टली आपने कॉल किया। हाँ आजकल हम लोग टूटू को बोलते हैं कि आपको ज़्यादा फेस टाइम करना है लोगों के सामने, तो इसीलिए हम उसको आगे डालते हैं कि आप कॉल करो, आप किसी स्ट्रेंजर से बात करना है तो आप बात करो, तो वो हमारे प्रेजेंस में ऑफकोर्स। उसने इतना गंदा कर दिया, यहाँ पर पूरा गंदा है, ये यहाँ पर देखो सब गिरा हुआ है, ये यहाँ पर देखो इतना सब गिरा हुआ है, ये चिप्स, अभी ये नया कोई चकली का पैकेट लेके ऐसे उठा के सब गिरा देता है। तो यही प्रॉब्लम है, अभी कैसा होता है ना मैं ऑफिस के कॉल पे तो ऑफकोर्स मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं कहा भैया जो तूफान करना है करो, आई एम ओके एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग थ्रू माई मीटिंग्स। अभी है और 2 मीटिंग्स और बची हुई है, वो खत्म होएगी उसके बाद फिर कुछ प्लान बनाते हैं, लेट्स सी, आई डोंट नो। एक प्लान तो कन्फर्म है, यस एक प्लान तो कन्फर्म है, बाकी कुछ प्लान होगा तो बनेगा अगर ये लोग बच्चे लोग। हाँ व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए आपको? अभी कौन सा नया फितूर दिख गया? यू वांट कुकी, ठीक है देता हूँ कुकी चाहिए इसको। वो अभी ना कुकी लेके चला गया और वो जो उनके पास थे ना उनको दिखा रहे हैं कि देखो मेरे को कुकी मिली है। डिड यू शो द कुकी? या यू शोड द कुकी? I am really sorry for the mess, seriously. He's been all over the place. Yeah. Thank you very much. Appreciate that. यार यहाँ का स्टाफ बहुत बढ़िया है, मैं हर बार बोलता हूँ ना स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ का, दे अंडरस्टैंड। मैंने उनको जैसे वो एंटर किया ना बंदा, आई एम श्योर जब वो देखा होगा शॉक हो गया होगा जिस तरह जिस कंडीशन में रूम था, तो मैंने उसको वही बोला भाई सॉरी यार क्योंकि बच्चे हैं उन लोग पूरा तूफान कर रहे हैं और मैं अपने ऑफिस की मीटिंग में हूँ तो मैं ज़्यादा ध्यान दे नहीं पा रहा हूँ, बट कोई नहीं
द स्टाफ इज गुड, उन्होंने काफी हेल्प किया है। पता है एक चीज जो हमने बहुत अच्छी सीखी है कनाडा में रहेगी कि अपना काम खुद करने की जो आदत लग जाती है ना, तो चाहे ये लोग आते भी ना, अगर आउटसोर्सिंग वाले आपका मन करता है कि नहीं यार आप खुद ही कर लो, जैसे कि खुद के झूठे बर्तन अगर मैं इनको बोलूं लगाने के लिए, दैट वोंट बी राइट, वो अच्छी चीज नहीं होगी क्योंकि बहुत सबको तंग करता रहता है, सो वो सही नहीं है। लेकिन ये एक चीज मुझे लगता है कि हमने कनाडा से बहुत अच्छी सीखी है कि अपने काम आप खुद करो, जो बहुत ही मतलब आपको खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है और आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बॉस प्लीज आप मेरे लिए ये काम करो। अगर आप खुद के काम खुद नहीं कर पाओगे तो आप दूसरों के काम कैसे खुद करोगे। तो भाई ऑफिस हुआ खत्म और कहीं बाहर जाने से पहले बच्चों की जिद है कि भाई उनको पूल में जाना है, ऐसे हमारे पास घर में पूल ही नहीं है। अपने पास घर में पूल नहीं है क्या? हाँ घर का पूल है लेकिन फिर भी उनको यहाँ पे पूल में जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, जब तक आंचल आती है उसके पहले, ओ यार दे डू, तो जब तक आंचल आती है उसके पहले हमने सोचा चलो हम लोग पूल में चले जाते हैं, आंचल आएगी तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि वो टाइम पे हम लोग बाहर निकल के फिर कहीं बाहर घूमने जा सकें। सो वट एवर इट इज़, बच्चों के लिए जो कर सकते करें यार, बिकॉज आज का दिन ना ऑफिस बहुत ही बुरा था, मतलब बुरा बोलो मतलब इतना काम था, मैं कुछ भी टाइम नहीं दे पाया बच्चों को। सो वट एवर लिटिल आई कैन डू इनको खुश करने के लिए तो आज वो करते हैं पहले। अभी हम क्वाइट श्योर कुछ व्यूअर्स इस चैनल पे नए आए हैं तो उन लोगों ने मेरा वो ऑटवा सीरीज जब हम लोग ये साल में अप्रैल मई के आसपास जब हम लोग आए थे तब आप लोगों ने शायद वो नहीं देखा होगा। अगर वो नहीं देखा होगा तो मैं उसको यहाँ पर लिंक कर दूंगा, पूरा प्लेलिस्ट है आप जाके चेकआउट कर सकते हो। द रीज़न मैं ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले बार भी जब हम लोग आए थे तो हम लोग इसी प्रॉपर्टी में रुके थे और इस प्रॉपर्टी का टूर मैंने दिया हुआ था। इनफैक्ट जिम कैसा है, ओह शिट मेरे को लगा ये गिरेगा, लड़के यहाँ खड़ा है, ही इज रेडी टू जंप इन, उसको बस अंदर जंप मारना है, मुझे लगा वो डायरेक्टली जंप मार रहा है। आई नो आप भी रेडी हो। तो जैसे मैं बता रहा था कि आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, लेकिन आपको चलो फटाफट क्योंकि जितने नए लोग हैं उन लोगों के लिए एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर ही है जिम, अंदर की तरफ ही है और बिल्कुल उसके सामने ही है पूल, विच इज़ प्रिटी बिग, ऑलमोस्ट 5.5 फीट तक का पूल है, विच इज़ नॉट बैड, एंड छोटा मोटा ऐसे शैक वैक सिस्टम बनाया हुआ है, सो प्रीटी फैंसी आई थिंक, बढ़िया है, खाली रहता है वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। ये देखो ये इतना एक्साइट पता है क्यों हो गया, क्योंकि दीदी चले गए पूल के अंदर। हाउ इज द वाटर टेम्परेचर टूटू, इट्स गुड, चलो बढ़िया है। आई यू वॉन्ट टू गो, यू वॉन्ट टू गो, ठीक है लेट्स गो। हीट करने की जरूरत लगी नहीं रही है, बहुत ही परफेक्ट टेम्परेचर की आप इन गर्मी के दिन में अगर आप अंदर आओगे तो अच्छा मॉडरेट ठंडा है, बहुत बढ़िया है। मैं भी ऑफिस से आ गई हूँ, मैं बोल रही हूँ अब चलो, मैं ऊपर गई रूम में कोई था नहीं, मैं समझ गई ये लोग पूल में होंगे, मैं नीचे आई हूँ, मैंने कहा चलो अभी रेडी नहीं है, एक घंटा हो गया है यहाँ से आज ना, एक घंटा हो गया है, एक घंटे से ये लोग पूल में, अभी भी नहीं निकलना है, निकल लो भाई। भाई साहब 2.5 घंटे तक, कितना 2.5 घंटे तक इन लोग नहाए हैं, ये लोग को निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं इन लोग, इतना मस्ती पानी के अंदर, तीर्थ की इतनी मस्ती, टूटू की इतनी मस्ती, जंप मार रहे हैं पानी में, स्विमिंग कर रहे हैं, बाप रे ऐसे बिहेव कर रहे हैं ये लोग, ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि इनके घर में कभी पूल है ही नहीं या पहली बार पूल देखा है, इतना धमाल किया है। इन लोग का प्रॉब्लम है, इन लोग को पूल देखकर लोग पगला जाते हैं। हाँ तो मतलब वही बात है यहाँ पे एक्चुअली, हाँ ये बात तो सही, क्योंकि वो 3 फीट में वो आराम से स्विम कर पा रही थी कम्फर्टेबल, राइट राइट राइट, लेकिन बहुत मजा किया यार। अभी देखो टाइम हुआ है 7:30, वो घुस गया मार्केट में। अरे यार ये देखो क्या लेके आ गए, देखो व्हाट इज दैट, नहीं वो सब नहीं चाहिए, जाओ रख दो यहाँ पर ना, इतना बड़ा इन लोगों का सब डिस्प्ले पे है, सारे चॉकलेट्स वगैरह है यहाँ पे,
चिप्स वगैरह है और आइसक्रीम वगैरह है खरीदने के लिए, आके यहाँ से सब निकाल लेता है ये। ठीक है, रख दो बेटा वापस उसको, रख दो उसको, चलो ले लो उससे, वरना ये। तो जैसे मैं बता रहा था कि हम लोगों ने बहुत धमाल किया, टाइम हुआ है 7:30, तो देयर इज नो वे कि हम लोग अभी कहीं बाहर जा पाएंगे। मन तो बहुत था यार बाहर जाने का, कहीं घूमने का, मेरा एक स्पेसिफिक जगह का मन था रेडू कैनाल का, जहाँ हम लोग कल अटेम्प्ट भी किए थे जाने का, लेकिन वो नहीं हो पाया कल। आज भी वही हाल हुआ, बच्चों को खुश करने के चक्कर में भाई अंधेरा हो गया तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे, बट ठीक है कोई बात नहीं, नो कंप्लेंट्स। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, विच मीन्स द मोस्ट। ओ या एंड टिक्की क्या मस्त स्विमिंग करने का कोशिश कर रहा है, पता है। बैठो, हाय हाउ आर यू? आई एम गुड थैंक यू। ऑलराइट थैंक यू वेरी मच। तो भाई ताकत तो बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं बाहर जा सके, इसलिए चुपचाप से वहाँ गए हम मैकडॉनल्ड्स। हमने सोचा यार बच्चों को खाने का जो मन है, टूटू को हमने पूछा क्या खाना है, उसने बोला मैकडॉनल्ड्स खाना है, हमने कहा बढ़िया है यार। वैसे बहुत 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 ज़्यादा इच्छा थी कि हम कहीं बाहर जाएं घूमने, लेकिन ऑफकोर्स यार इतना लेट दिन खत्म हुआ, ऑलमोस्ट 7:30 बजे हम लोग पूल से निकले और 2.5 घंटे बाद पूल में नहाने के बाद, लिटरली बता रहा हूँ, पैर जो है ब्रेक पे एक्सेलरेटर पे रखने की भी ताकत नहीं, इतने पैर दर्द हो रहे हैं। तो आज तो सब जल्दी सो जाएंगे यार, कास तो मेरे भी बहुत दर्द हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल है भाई। अच्छा वो ने बताया नहीं आज, पता क्या हुआ? क्या हुआ? हम लोग के जो लंच, लंच वंच करने के बाद हम लोग सब लोग बैठे थे, हम लोग के ना बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम है, उसमें ये है राउंड टेबल्स। ओके, मैं बैठी थी अपने जाके, एंड हमारा जो डायरेक्टर है, मेरा डायरेक्टर नहीं, एक और हमारे जीएम के अंदर का डायरेक्टर है, वो आके ही लिटरली सैट ऑन हिज नीज नेक्स्ट टू मी। फनी, एंड आई इज लाइक आंचल, आई टर्न लाइक जेम्स, एंड ही गोज द वे यू स्पोक यस्टरडे वाज सो इम्प्रेसिव, एंड आई वॉज सो यू नो टच्ड बाय वे यू योर अबाउट योर जर्नी यू स्पोक अबाउट, एंड इट डिडंट लुक लाइक दैट यू वर नर्वस, एंड द वे यू वर शेयरिंग कि आप वल्नरेबल हो, कि आपने पहले मतलब मैंने बोला था कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ, तो बोल रहे एंड दैट वल्नरेबिलिटी इट वॉज वेरी यू नो पीपल कुड कनेक्ट टू इट, कि मतलब जो आप, हाँ क्योंकि आप हम सब होते हैं कहीं ना कहीं, एंड यू आर एक्सेप्टिंग दैट, वो बहुत बड़ी बात थी। एंड बोलती है उसने बोला कि बट इट डिडंट, इफ यू डिडंट टेल वी डिडंट नो, अरे वाह क्या, यू वर नॉट नर्वस, योर इंटोनेशंस, योर लैंग्वेज, योर एक्सप्रेशन, एवरीथिंग वाज लाइक स्पीड, सब कुछ ऑन टाइम था, ऐप था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे आई वाज लाइक सो टच्ड, अब नीचे ऐसे बैठा था ना, मुझे एकदम आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, मुझे अच्छा भी लग रहा था, एम्बैरेस भी हो रहा था। फिर मैं खड़ी हुई एंड देन आई हग देम, मतलब थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट, मतलब नॉट जस्ट वन पर्सन, टाइम एंड अगेन कितने लोगों ने आके मुझे बोला, मतलब तुमने जो कल ऑफिस जाते हुए बोला कि फाड़ देना, हां तो वही 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 फाड़ दिया, बिंदास फाड़ दिया तुमने भाई, सही बात है, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, गुड जॉब, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। जितने बार भी हम लोग ऑटो आए, 2 या 3 बार और हम लोग यहाँ पर रुके हैं, मेरा हर बार ना एक जगह का शवरमा खाने का मन करता है, कोई फैंसी जगह नहीं है, बस ऐसी एक जगह मैंने देखी है जो हमारे होटल के बिल्कुल नीचे ही है, तो वहाँ से शवरमा पिकअप करेंगे और जाके आराम से होटल में बैठ के खाएंगे। भाई ऐसा लग रहा है सीधा कनाडा से दुबई आ गए हम लोग। इस जगह का नाम देखो, अल हबीबी, हबीबी कम टू दुबई, वैसा वाला फीलिंग आ गया, एकदम सस्ते में दुबई पहुंच गए। वैसे सस्ते में नहीं है, मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पर एक प्लेट शवरमा, और प्लेट शवरमा आई थिंक प्रिटी एक्सपेंसिव है, ऑन एन एवरेज प्लेट शवरमा का कॉस्ट होता है अराउंड $14-15, ऑलमोस्ट डबल द प्राइस, $30 का एक शवरमा, विच इज 90 दिरहम। अगर दुबई में से कोई देख रहे हैं तो भैया आप समझ जाओ, एक शवरमा 90 दिरहम का, आपके यहाँ पे शवरमा कितने का मिलता है दुबई में से, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करना। बाकी शवरमा जब आएगा कितना बड़ा है, क्या साइज है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर जाके देखोगे ना, पूरा ऐसा लगता है दुबई पहुंच गए या किसी मिडिल ईस्ट जगह पे पहुंच गए, पूरा अंदर डेकोरेशन उन्होंने मिडिल ईस्ट का किया हुआ है। और लेकिन हम लोग बैठे हुए बाहर क्योंकि वेदर बहुत बढ़िया है, और क्या मस्त सेटअप किया हुआ है पता है, लाइट्स वगैरह लगाई हुई है, और यहाँ पे मस्त क्यूट सा सेटअप है, यहाँ पे फेक ग्रास जैसा डाला हुआ है, कारपेट अच्छा लग रहा है ना, आई थिंक वो दुबई में सैंड ड्यून्स ना, सैंड ड्यून्स, हाँ हाँ हाँ, वाइब है, करेक्ट करेक्ट, सैंड ड्यून्स वाले जगह पे जहाँ पे खाना वाना खाना होता है ना, वह वैसा वाला वाइब है, अच्छा जगह है, बहुत बढ़िया है। चलो एटलीस्ट हम लोग इस बार आके तो गए, मतलब पहले तो प्लान था कि इसे पिकअप करके चले जाएंगे, मैं जब उतरा मैंने यहाँ का सेटअप देखा, मैंने कहा यार बढ़िया सेटअप है, मौसम भी अच्छा है, क्यों ना हम लोग बाहर बैठे, बिल्कुल भी ठंड नहीं है। हाँ इसको क्या मस्त टॉय मिला है, देखो मेरे को पहली बार मैकडॉनल्ड्स का जो हैप्पी मील का टॉय होता है पसंद आया, इतना क्यूट, मैंने खुद उसको इसे हम लोग के क्रॉस में, ये देखो ये चार्म्स बनाए हुए हैं, इसको मैंने चार्म्स लगाए, अरे वाह, इसके स्टिकर्स थे पूरे, उसमें से यू कैन चूज एनीथिंग, तो मैंने इसको ये चार्म्स लगाए, एंड इट्स आल्सो अ कीचेन,
तो टूटू विल हैंग इट इन हर बैग यू डोंट वांट टू द किचन टू बी जस्ट पुट इट डाउन शी विल द क्रॉक्स टू क्रिएट वाओ दैट्स कूल तो भाई देखो ये कुछ आया है ये कुछ पीटा ब्रेड है यहां पे सैलेड है ढेर सारा हमस है एंड दो सीख कबाब है तो ये बेसिकली दुबई का नहीं है दिस इज फ्रॉम सीरिया मैं बंदे से पूछ रहा था दिस इज सीरिया का जगह है और सीरिया में इनका इनफैक्ट डेकोरेशन जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी मिडिल ईस्ट जैसे है बर्तन तक एकदम मिडिल ईस्ट जैसे हैं इनफैक्ट अंदर एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगाई हुई है वो मैंने उसको पूछा वो क्या है तो ही इज लाइक ये सीरिया का कैसल है बढ़िया बनाया है बाकी अभी खा के देखते हैं खाना कैसे है गुड फ्लेवर है खाना इज सो गुड हाईली रिकमेंडेड अगर आपको मिडिल ईस्ट फूड ट्राई करना है आपको बिरयानी जैसे राइस वाइस पसंद क्योंकि इसमें ना राइस भी है बिरयानी जैसा राइस है इतना फ्लेवर्स है चाहे अगर आप हमस खा रहे हो या अगर आप चावल खा रहे हो इतना फ्लेवर है ना उसमें ज़रूर ट्राई करना ये जगह अगर आप नॉनवेज खाते हो इट्स अ हेवन बहुत मस्त जगह है फूड वॉज अमेजिंग आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हमस बट आई हैड दिस आई एम ब्लोन अवे द टेस्ट इज सो गुड इट्स सो फ्लेवरफुल एब्सोल्युटली लव्ड इट थैंक यू वेरी मच फॉर द ग्रेट फूड थैंक यू वेरी मच या यार यूजुअली कैसा होता है ना हम लोग कभी भी ना अप्रिशिएट नहीं करते हैं किसी को कभी अगर कुछ अच्छा लगता है ना तो हम लोग यूजुअली बोलते नहीं हैं हम लोग जब भी कोई कंप्लेन करना होता है ना सबसे पहले आके पढ़ते हैं एस्केलेशन ईमेल भेजना होता है पहले ईमेल भेजते हैं अप्रिसिएशन कभी नहीं भेजते भाई क्या खाना था बिलीव मी मतलब एंड अगेन वंस अगेन जिसको नॉनवेज पसंद है जिसको फ्लेवरफुल पसंद है जिसको खाना ट्राई करना पसंद है प्लीज़ आके ट्राई करना एंड आई एम श्योर आप लोग का भी ऐसा ही रिव्यू होगा ऐसा ही फीडबैक होगा इतना फ्लेवर्स भरा क्या फ्लेवर्स था ना खाने में मेरे को तो फर्स्टली खाना मतलब मन ही नहीं था खाने का कि मैं भूख नहीं थी इतनी पर जब मैंने देखा मेरे को लगा एटलीस्ट एक ट्राई तो करना बनता है इट लुक्स नाइस जब मैंने खाया तो पहला बाइट पीटा ब्रेड और जो चिकन खाया ओके नाइस बट देन व्हेन आई एट द राइस ओ माय गॉड इट वाज फुल ऑफ फ्लेवर्स आई डोंट नो बहुत मस्त एक बार फिर से बता देता हूँ उसको अल हबीबी रेस्टोरेंट है एंड ये है 1638 बैंक स्ट्रीट पे 1638 बैंक स्ट्रीट ओटावा एंड अल हबीबी रेस्टोरेंट ट्राई करना जरूर यार टू गुड